सनातन धर्म के सभी त्योहारों में से हरियाली तीज का त्यौहार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, तो कुंवारी कन्या मनचाहा वर पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। प्रत्येक वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 7 अगस्त को मनाया जाएगा। हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं और व्रत का संकल्प भी लेती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं आखिर क्यों 16 श्रृंगार करती हैं? तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्किराम बताते हैं कि हरियाली तीज सावन के महीने में मनाया जाता है और सावन का महीना हरियाली का प्रतीक होता है। हरियाली तीज के खास अवसर पर सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करती हैं और भगवान सूर्य को जल अर्पित करती हैं, साथ ही 16 श्रृंगार भी करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, साथ ही साधक पर अपनी कृपा प्रदान करती हैं। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार कर नए वस्त्र धारण करती हैं। करने के साथ पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान भी अर्पित करती हैं। ऐसा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, शायद यही वजह है।